Hello, welcome to our channel, the physics coaching. We are studying nuclear physics. This is 7th class of nuclear physics. तो चलिए शुरू करते हैं. हमने बीटा डिके अल्फा डिके तक पढ़ लिया था. अब हम बीटा डिके पढ़ेंगे. बीटा डिके क्यों होता है? बीटा डिके जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो इम्प्रॉपर हो जाता है, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या प्रोटॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो बीटा डिके होता है. अब बीटा डिके भी दो प्रकार के होते हैं. पहला बीटा नेगेटिव डिके, दूसरा बीटा पॉजिटिव डिके. सपोज अपने पास एक एक्स एटम या एक्स न्यूक्लियस है जिसका परमाणु क्रमांक जेड है, ए मास है. तो अगर बीटा नेगेटिव डिके होगा तो एक न्यूट्रॉन वो कन्वर्ट होगा प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रॉन. ओके, तो देखो इसमें जेड कन्वर्ट हुआ वाई प्लस वाई जेड प्लस वन, मास नंबर सेम, प्लस वन और एक इलेक्ट्रॉन, नहीं प्लस वन नहीं आएगा, सही है. जेड प्लस वन ए प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रॉन प्लस बीटा प्लस डीके. बीटा प्लस डीके वी हैव, इफ वी हैव एक्स न्यूक्लियस देन इट कन्वर्ट इनटू वाई जेड माइनस वन ए प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रिनो. नाउ एक और इसी तरीका का कैप्चर है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर. जब एक न्यूट्रिनो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण, जब एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर न्यूट्रिनो में न्यूट्रॉन में बदल जाता है. देखो हमारे पास एक्स एक न्यूक्लियस है विथ जेड, उसने एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया तो वो कन्वर्ट हुआ जेड माइनस वन ए वाई. ओके, द क्यू वैल्यू फॉर दीज इक्वेशन, गिव मी वन सेकेंड. See this, Q value is initial mass minus final mass into C square, yani final energy minus initial energy or final binding energy minus initial binding energy. अब ये तो सिर्फ hypothesis था, लेकिन experiment इसके साथ match नहीं हुए. ठीक है, तो एक साइंटिस्ट था फर्मी. तो फर्मी ने अपनी बीटा डिके की थ्योरी दी बेस्ड ऑन पाउली हाइपोथेसिस विच अज्यूम न्यूट्रिनो इमिटेड विथ बीटा पार्टिकल. नाउ न्यूट्रिनो हैज मास जीरो विथ स्पिन हाफ. ओके, नाउ द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी W is 2 pi upon h cut, this one, 2 pi upon h cut, h if mod square f e. Okay, now this f e, this h I is equal to g m I f, where g is Fermi constant and m I f is न्यूक्लियर मैट्रिक्स ऑपरेटर. नाउ वेयर एफ इज डेंसिटी ऑफ स्टेट पर यूनिट वॉल्यूम. ओके, न्यूक्लियस हैज वेरियस स्टेट्स
सो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स पर यूनिट वॉल्यूम, ट्रांसमिटेड प्रोबेबिलिटी बिटवीन रेंज पीबी टू पीबी प्लस डीपीबी, फिर पीबी पीबी इज मोमेंटम, मोमेंटम टर्म. नाउ दिस ट्रांसमिटेड प्रोबेबिलिटी बिटवीन दिस रेंज विल डी ओमेगा आई एफ इज इक्वल टू जी स्क्वायर अपॉन टू पाई क्यूब सी क्यूब एच कट सेवन मोड ऑफ एम आई जी एफ स्क्वायर एफ जेड ई बी ई मैक्स माइनस ई बीटा होल स्क्वायर पी बी स्क्वायर डी पी बी. नाउ वेयर एफ जेड ई बी इज कूलम करेक्शन, सपोज दिस इज ए एटम, दिस इज ए न्यूक्लियस. वेन ए बीटा डीके ऑक्योर देन न्यूक्लियस एंड बीटा डीके पार्टिकल हैव कूलम्बिक इंट्रैक्शन फॉर फ्रॉम दिस दिस फंक्शन कैम. उस इंट्रैक्शन की वजह से ये कूलम्बिक करेक्शन आया है. नाउ दिस इज इक्वल टू टू पाई ईटा अपॉन वन प्लस ई टू पावर माइनस टू पाई ईटा. नाउ ईटा इज फोर इलेक्ट्रॉन, दिस इज ई स्क्वायर अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एज वी बी एंड फॉर प्रोटॉन दिस इज इक्वल टू सॉरी माइनस ई स्क्वायर अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एच कट वी. नाउ दिस दिस डी डब्ल्यू आई एफ अपॉन एफ जेड ई बी पी बी स्क्वायर डी पी बी इज इक्वल टू ए ई मैक्स माइनस ई बी. नाउ वेयर दिस टर्म इज एफ जेड ई बी पी बी स्क्वायर डी पी बी इज क्यूरी फंक्शन एंड वी रिप्रेजेंट इट बाई के. नाउ के इज इक्वल टू ए ब्रैकेट ई मैक्स माइनस ई बी. नाउ वेन एक्सपेरिमेंट डन क्रम कर्व विल ऑक्योर लाइक दिस फ्रॉम बिगनिंग टू एंड स्ट्रेट एंड दिस कर्व इज बेंडिंग हियर. ये कुछ ऐसा स्ट्रेट होना चाहिए था, स्ट्रेट होना चाहिए था, लेकिन ये कुछ ऐसा यहाँ से बेंड हो गया. नाउ दिस इज एक्सपेरिमेंटल कर्व, एक्सपेरिमेंटली कर्व बेंड्स बिकॉज हमने मास ऑफ न्यूट्रिनो जीरो माना था. तो इफ मास ऑफ न्यूट्रिनो इज नॉट जीरो देन दिस कर्व ऑक्योर. नाउ द मास ऑफ न्यूट्रिनो और मास ऑफ न्यूट्रिनो इज 50 टू 60 इलेक्ट्रोवोल्ट अपॉन सी स्क्वायर ऑब्वियसली. नाउ लैम्डा, लैम्डा इज इफ ई इज लार्ज देन लैम्डा इज जी स्क्वायर अपॉन टू पाई स्क्वायर सी क्यूब एच कट सेवन एम आई एफ मोड स्क्वायर ई मैक्स अपॉन सी टू पावर फाइव. लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू ई टू पावर फाइव मैक्स. दिस इज सार्जेंट लॉ, सार्जेंट लॉ इफ दिस इज इक्वल टू, अगर दोनों तरफ लॉग लें तो दिस इज इक्वल टू लॉग लैम्डा बराबर, लॉग लैम्डा बराबर लॉग ए प्लस फाइव लॉग ई मैक्स. इफ वी रिप्रेजेंट इट ऑन कर्व देन देयर इट्स लुक लाइक दिस.
this is log lambda, this is log emax, and this is proportional curves. This is for forbidden, this is for allowed, low t half, high t half. Okay, next page. Probability of allowed transition. Probability of allowed transition is so into probability of forbidden transition. Comparative half life. Half life is equal t half equal to 0.693 t tono not MIF to power 2. Allowed transition. Allowed transition is if we have lambda is equal to 0. Lambda is equal to 0, then super allowed nucleus change its sign and remain in the same level. There's like this nucleus is in S1/2, then it when it decay then it came out as S1/2. If nucleus is at P3/2, then it came out after decay P3/2, same energy level. Normal allowed is nucleon change its level like P3/2 to P1/2. Selection rule for this. There is two type of conditions. If delta J is equal to 0, A naught. Suppose we have delta L is equal to 0. If pair selection rule, no parity change. If delta is equal to 0, Gama trailer, these are scientists, Gama trailer rule is lambda equal to 0. If lambda is equal to 0, then we have S 1 and 0. If S is 0, then J value is delta J is 0, then delta J can occur at equal to L or less than L. If delta S equal to 1, S equal to 1, then delta J can be 0 plus minus 1. Then delta J should be L plus 1 less than or equal. Example. Suppose we have tritium convert into helium 2, 3 plus electron plus antineutrino. Tritium is 1s 1/2. Helium is 1s 1/2. J value is half plus J value for helium half plus. So for S orbital, L is equal to 1. Delta J is equal to 0. Delta L equal to 0. From Fermi, allow delta J should be less than 1. That is 0. 0 to 0. Allowed, obviously. And according to GT, delta J less than L plus 1. That is 0 less than 1. That will be also allowed. Second, forbidden transition. If delta is not equal to 0, for allowed transition, delta L equal to 0. If not allowed, then forbidden transition. First, forbidden transition is delta L equal to 1. That's parity change. Fermi forbidden transition is S equal to 0, L equal to 1, J can take place 0 plus minus 1. So delta J less than equal to
वन जी टी फॉरबिडन ट्रांजिशन इज एस इक्वल टू वन एल इक्वल टू वन देन जे कैन टेक वैल्यूज जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू दैट इज डेल्टा जे लेस देन एल प्लस वन सेकेंड फॉरबिडन डेल्टा एल इक्वल टू जीरो नो पेरिटी चेंज फर्मी फॉर फर्मी फॉरबिडन ट्रांजिशन एस इक्वल टू जीरो एल इक्वल टू टू जे कैन टेक वैल्यूज प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू जी टी कैन टेक वैल्यूज एस इक्वल टू वन एल इक्वल टू टू जे कैन टेक वैल्यूज प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री ओके नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट इज हाफ लाइफ कंपेरेटिव हाफ लाइफ ट्रांजिशन इफ हाफ लाइफ इज 2.7 टू 3.7 दिस इज सुपर अलाउड हाफ लाइफ इज 4.58 4 to 5.8 normal allowed. If half life is 6 to 10, first forbidden. Half life is 10 to 14, second forbidden. And half life is 14 to 17, then third forbidden. For mixture of half-life, the curve will like this. The equation for this AT, A naught e to power minus lambda t. For one nuclei, it will be a straight line. Now questions. Consider Fermi theory of beta decay. The number of finite state of electron corresponding to momentum between p and p plus dp is first independent of p proportional to p dp proportional to p square dp proportional to p cube dp we saw the formula the transition probability of is between range p to p dp is g square upon 2 pi cube c cube s cube to power 7 mi to power 2 there is 2 e naught minus e to power square p square dp now this is equal to p square dp then c option is correct next question in the beta decay the transition go to 2 to 2 plus 2 3 plus if transition go to 2 plus to 3 plus no parity change then j can take values delta j can take 1 2 3 4 5 for Fermi delta j should be less than 0 to 1 that is not allowed for gamma Taylor delta j should be less than of 0 plus minus now this is allowed b correct b option is correct now third gamma decay allow after alpha decay or beta decay most of the 90% case when a nucleus decay it came to highest first excited state yeah more excited state ground state is occur only 5% so after decay it go most alpha decay yeah beta decay after alpha decay beta decay generally nuclei are in excited state to came to ground state gamma decay occur यानी कि जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ न्यूक्लियस जाता है
तो वो गामा डिके करता है जिसमें कुछ गामा फोटॉन्स रिलीज होते हैं. सम लाइन स्पेक्ट्रम्स डिक्रीज एनर्जी, डिस्क्रीट एनर्जी अपने को प्राप्त होती है स्पेक्ट्रम में, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इनिशियल एंड फाइनल स्पिन पैरिटी. द रेंज ऑफ एनर्जी इज 20 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट. ओके, एंड टाइप ऑफ रेडिएशन इज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक. ऑर्डर ऑफ पोल्स, अगर हम ऑर्डर ऑफ पोल्स की बात करें तो इट्स इक्वल टू 2 to power L. ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट इज L. नाउ रेडिएशन का जो सोर्स हो सकता है वो जैसे डाइपोल होता है अपने पास, प्लस प्लस अपने पास मैग्नेटिक दो डाइपोल हो सकते हैं एन एन, या फिर तीन सोर्स. तो जो ये ऑर्डर ऑफ पोल की बात करें, ये न्यूक्लियस से जो रेडिएशन निकलती है उसके सोर्स की बात करती है कि उस वहाँ पर किस तरह का सोर्स है, कितने डाइपोल हैं या फिर मोनोपोल है, क्या है. ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू इफ डाइपोल देन इट इज E1 E1 M1. हियर 1 इज L वैल्यू. ओके, इफ L इज 2 देन क्वाड्रपोल देन E2 M2. E3 इज ऑक्टापोल, E3 M3. ओके, इफ L इज इक्वल टू 0 देन नो रेडिएशन बिकॉज ऑफ ट्रांसवर्स नेचर ऑफ EM वेव. सिलेक्शन रूल फॉर इलेक्ट्रिक, पाई इज -1 to power L एंड मैग्नेटिक इज पाई इज इक्वल टू -1 to power L+1. नेक्स्ट, इफ लैम्डा EL इज ग्रेटर देन लैम्डा EM देन मल्टीपल पोल्स आर ऑक्योर. इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, E1 M1, सिंबल पैरिटी इज -1 + 1. इलेक्ट्रिक क्वाडरपोल, मैग्नेटिक क्वाडरपोल, इलेक्ट्रिक क्वाडरपोल E2, पैरिटी +1. मैग्नेटिक क्वाडरपोल M2, पैरिटी -1. इलेक्ट्रिक ऑक्टापोल सिंबल E3, पैरिटी -1. मैग्नेटिक क्वाडरपोल E M3, पैरिटी +4. ओके, नो नेक्स्ट पेज. क्वेश्चंस, फाइंड अलाउड मल्टीपोल्स इन द ट्रांसफॉर्म J+JI=1+2JF2-. द साइड स्टेट इज 1+, फाइनल स्टेट इज 2-, दिस इज ग्राउंड स्टेट. नाउ L इज इक्वल टू J इनिशियल माइनस J फाइनल. J इनिशियल इज 1, J कैन वेरी, J इनिशियल माइनस J फाइनल 2, J इनिशियल प्लस J फाइनल. ओके, L, सो L इज इक्वल टू 1 - 2 to 1+2. सो दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 3, देन 1 2 3. L कैन वेरी 1 2 3. तो एक्सपेक्टेड मल्टीपोल्स आर E1 M1 E2 M2 E3 M3. ओके, यूजिंग पैरिटी सिलेक्शन रूल, PI इज इक्वल टू πr πf, पाई आर इज इक्वल टू -1.
ओके पाई आर इक्वल टू माइनस वन ई वन देन अलाउड एनर्जी अलाउड रेडिएशन इज एम वन सॉरी ई वन एम टू एंड ई थ्री ओके सेकेंड क्वेश्चन द ग्राउंड स्टेट ऑफ पी बी 8207 न्यूक्लियस हैज स्पिन पेरिटी जे पी इज इक्वल टू 1/2 माइनस वाइल द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हैज जे पी इज इक्वल टू 5/2 नेगेटिव द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड व्हेन द न्यूक्लियस केम ए ट्रांजिशन फ्रॉम द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट आर जे पी इज इक्वल टू 1/2 माइनस एंड फाइनल इज 5/2 माइनस नो पेरिटी चेंज डेल्टा जे कैन ऑक्योर 2 to 3 देन ई एल एल माइनस 1 to power एल इज ई टू एम एल इज यू माइनस 1 to power एल प्लस 1 एम 3 ऑप्शन सी इज करेक्ट ओके नेक्स्ट नेक्स्ट इज पार्टिकल एक्सीलेटर्स पार्टिकल एक्सीलेटर्स देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सीलेटर्स साइक्लोट्रॉन बीटाट्रॉन्स मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑक्सीलेटिंग यानी साइक्लोट्रॉन में मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट होता है बीटाट्रॉन में मैग्नेटिक फील्ड ऑक्सीलेटिंग होता है रेडियस को हम अगर साइक्लोट्रॉन की बात करें तो उसकी रेडियस को हम आर इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू वी के रूप में शो करते हैं और आर फॉर बीटाट्रॉन इज फाई अपॉन टू पाई बी टू पावर 1/2 वेयर फाई इज टू पाई आर स्क्वायर बी फ्रिक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन इज क्यू बी अपॉन 2 πm एंड एक्सेलरेशन टाइम इज T/4 दैट इक्वल टू पाई अपॉन 2 ω हेलिकल पाथ ऑक्योर एंड बीटाट्रॉन सर्कुलर पाथ ऑक्योर फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी साइक्लोन कैंट एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन एंड फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी बीटाट्रॉन एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स ओके एनर्जी रिलीज इन फ्यूजन 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एंड फ्यूजन 27 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट रिएक्शन क्रॉस सेक्शन प्रोपोर्शनल टू 1/V वेयर वी इज न्यूट्रॉन वेलोसिटी कंडीशन ऑफ फ्यूजन इज 3/2 kT इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 πε₀r12 एवरेज एनर्जी ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन इज 0.025 इलेक्ट्रोवोल्ट मीन लाइफ टाइम ऑफ न्यूट्रॉन इज 10 to power 3 सेकेंड ओके नेक्स्ट ड्यूट्रॉन नेक्स्ट इज ड्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन हैज बाइंडिंग एनर्जी 0.025 प्लस माइनस 0.003 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट लूजली दैट्स मीन इलेक्ट्रॉन हैज लूजली बाउंड ग्राउंड स्टेट ड्यूट्रॉन हैज 3s1 प्लस 3d1 ग्राउंड स्टेट्स mostly it stay in 3s1 and 4% stay d1 magnetic moment is 0.85753 μn small positive quaderpol moment this state due to non central force yeah tensor potential between p and proton and neutron is initially square well potential potential between neutron and proton is square well potential
न्यूक्लियर रिएक्शन आर नो लूज ऑफ एनर्जी ए प्लस एक्स टू एक्स प्लस ए इन इलास्टिक लूज ऑफ एनर्जी ड्यू टू कोलिजन ए प्लस एक्स इज एक्स स्टार प्लस ए एंड एक्स स्टार इज इक्वल टू एक्स प्लस गामा. ओके दैट्स ऑल फॉर गाइज. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बता देना आपको वीडियो कैसा लगे. थैंक यू.